तो नेक्स्ट लेक्चर है, तो आज हम डिस्कस करेंगे, पांचवा लेक्चर है हमारा आज। तो पहला क्वेश्चन है आज क्या बोलता है, बोलते कुल्लू का दशहरा किसके द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, आपने बताना जो कुल्लू का दशहरा है ये क्या है, एक इंटरनेशनल फेस्टिवल है। आप ठीक है, 1972 में इसको इंटरनेशनल फेस्टिवल डिक्लेयर कर दिया था, तो आपने बताना है तो किस राजा के द्वारा यह शुरू किया गया था। ऑप्शन ए उत्तम पाल, ऑप्शन बी जगत राम, ऑप्शन सी सिद्ध पाल, ऑप्शन डी जगन राम। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जगत राम। जगत राम ऐसा राजा था जिसके द्वारा यह शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर दो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर दो है, बोलते छाबा हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पर है। अपना छाबा हाइड्रो प्रोजेक्ट कहाँ पर है बताना आपने। ठीक है, यह ऑप्शन नंबर ए शिमला, ऑप्शन बी सोलन, ऑप्शन सी किन्नौर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये ठीक है, तो बताना छाबा हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट कहाँ पर है। ऑप्शन ए शिमला, शिमला में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलते मुल्गान घाटी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आपने बताना है मुल्गान घाटी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो आपने बताया मुल्गान घाटी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए सिरमौर, ऑप्शन बी किन्नौर, ऑप्शन सी लाहौल स्पीति, ऑप्शन नंबर डी सोलन। तो आपका मुल्गान घाटी कहाँ पर पड़ती है, ये पड़ती है ऑप्शन बी किन्नौर। आपके कहाँ पड़ती है, ऑप्शन बी किन्नौर में पड़ती है आपकी, कौन सी मुल्गान घाटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बोलता है पंचभक्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया। पंचभक्त मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ऑप्शन ए अजबर सेन, ऑप्शन बी मदन सेन, ऑप्शन सी सिद्ध सेन, ऑप्शन डी बाहु सेन। ठीक है, तो पंचभक्त मंदिर पड़ता कहाँ आपके, आपका पड़ता है डिस्ट्रिक्ट मंडी में। ठीक है, तो इसका है ऑप्शन नंबर सी, किसके द्वारा, सिद्ध सेन के द्वारा पंचभक्त मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट हिमाचल प्रदेश कौन से नंबर का राज्य बना था। ठीक है, आपने बताना हिमाचल प्रदेश कौन से नंबर का राज्य बना था, तो ये बना था ऑप्शन नंबर सी 18वें नंबर का राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बोलता है बिलासपुर को कब हिमाचल में शामिल किया गया। ठीक है, आपने बताना जो बिलासपुर जिला हमारा इसको हिमाचल में कब शामिल किया गया। आपके पास ऑप्शन नंबर ए है 1948, ऑप्शन नंबर बी 1954, ऑप्शन नंबर सी 1956, ऑप्शन नंबर डी 1966। तो ये किया गया था 1 जुलाई 1954 को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 1954 को क्या किया था, बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में शामिल किया गया था। ठीक है ना, ये आपने बताया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बोलता है, बोलता गसोटा मेला कहाँ लगता है। ठीक है, तो गसोटा मेला कहाँ लगता है आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए ऊना, ऑप्शन नंबर बी बिलासपुर, ऑप्शन सी हमीरपुर, ऑप्शन नंबर डी मंडी। ठीक है, तो ये आपका गसोटा मेला कहाँ लगता है, ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर में लगता है। ठीक है, तो गसोटा मेला कहाँ लगता है, हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ है। तो आपने बताना जो सुकेती फॉसिल पार्क कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए शिमला, ऑप्शन बी सोलन, ऑप्शन सी मंडी, ऑप्शन डी सिरमौर। तो आपका सुकेती फॉसिल पार्क है ऑप्शन नंबर डी सिरमौर। ठीक है, ये कहाँ पड़ा, ऑप्शन नंबर डी सिरमौर। मंडी नहीं करना, ठीक है, सुकी सुकेत मंडी में ये नहीं बोला, नहीं, ये सुकेती फॉसिल पार्क ये कहाँ पर है आपका, सिरमौर में है। नेक्स्ट बोलते हैं मशहूर रॉक कट टेम्पल कहाँ स्थित है, आपने बताना क्या है। बोलते हैं मशहूर रॉक कट टेम्पल कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए कुल्लू, ऑप्शन नंबर बी मंडी, ऑप्शन नंबर सी लाहौल स्पीति, ऑप्शन नंबर डी कांगड़ा। तो ये मशहूर रॉक कट टेम्पल कहाँ पड़ा आपका, ये ऑप्शन नंबर डी कांगड़ा। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ा, ये कहाँ पड़ा, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में पड़ा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट क्वेश्चन है, बोलता है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो आपने बताना था जो संविधान सभा थे उसके अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, जो टेम्परेरी, ऑप्शन नंबर ए सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो ठीक है, तो आपके तो अस्थाई सदस्य थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ये कब बने थे, 9 दिसंबर 1946 से को बने थे और 11 दिसंबर 1946 को फिर दूसरे स्थायी सदस्य बनाए गए थे, कौन से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, तो कौन से थे अस्थायी सदस्य, ऑप्शन नंबर ए
सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। कितने दिन का कार्यकाल? 2 दिन का कार्यकाल हुआ था इनका, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।